वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगले 24 घंटे में मुंबई में दस्तक देगा मॉनसून। इन राज्य में आज भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मॉनसून पश्चिम बंगाल पहुँच गया है। अब जल्द ही मॉनसून के बिहार पहुँचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD का अनुमान है कि आज यानी शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बारिश गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 13 जून को UP के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। अमरोहा, मुरादाबाद, चांदपुर, बिजनौर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने का आसार है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में आगरा सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद झांसी में 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा, अलीगढ़ में 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं हमीरपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार को गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी थी। अब देश के कई हिस्सों में मॉनसून के तेजी से और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में मॉनसून मुंबई में दस्तक देगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम की वजह से महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोकण व गोवा और गंगैया पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय ओडिशा, आंतरिक कर्नाटका और पूर्व उत्तर भारत में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की उम्मीद है। और गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी है। और बिहार में अगले 14 जून तक मॉनसून के दस्तक देने की पूरी संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पूर्णिया में 13 जून यानी आज मॉनसून पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया है। इसके बाद पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में मॉनसून पहुंचेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव के चलते बारिश का सिलसिला ओडिशा और झारखंड से होते हुए बिहार में शुरू होगा। पूर्वानुमान के मुताबिक 13-14 जून तक 10 जिलों में 55-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है, जिसमें पटना, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, कटिहार, सहरसा और सुपौल में प्री मॉनसून बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।